मेरा नाम तो मनीषा गुप्ता है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ और ये फिल्म के मैं मेन लीड कर रही हूँ और बहुत अच्छी ये मूवी है। सो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बेटी के पुकार के मूवी तो एकदम अच्छा है और मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि फिल्म आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से बहुत अच्छा है ये मूवी क्योंकि बेटी के नाम पे है और आई एम वेरी प्राउड फीलिंग कि मुझे ये मूवी मिला। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने ये बीके सर को, जो इन्होंने इतना अच्छा मूवी लिखा, इतना अच्छा नाम भी लिखे बेटी के पुकार के। सो मैं मूवी बहुत अच्छा लगा और ये मूवी ऐसा है कि सब पब्लिक अपने फैमिली के साथ जाकर देख सकते हैं, एकदम फैमिली ड्रामा, इमोशनल, बहुत अच्छा है मूवी। हीरोइन हो, हीरोइन की बहन हो, लीड एक्ट्रेस हो, सेकंड लीड है, क्या रोल है आपका? मेरा मेन लीड है और मैं ये मूवी में बेटी बन रही हूँ। सो ये बेटी के नाम पे है मूवी। सो और मैं कुछ करना चाहती हूँ और एकदम से मैं इतना आशा करना चाहती हूँ, फिल्म तो इतना आशा है कि मैं अच्छा से ही करूँगी। सो आपके जो हीरो हैं उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? अब मेरे हीरो हैं आप लोग तो देख ही रहे हैं। सो आ जाइए नजदीक, कोई बात नहीं। नमस्कार भाई साहब, मैं प्रमोद मेहंदी, मैं इस पिक्चर में लीड कैरेक्टर के रोल कर रहा हूँ और ये बेटी का है पुकार का बहुत अच्छा पिक्चर लिखा हुआ है जो बीके सर ने लिखा हुआ है हमारा। इस पिक्चर का डायरेक्टर और राइटर और समझ लीजिए यहाँ का और प्रोड्यूसर भी यही है और ये पिक्चर बहुत अच्छा ढंग से लिखा हुआ है, जो बेटी के ऊपर लिखा हुआ है, जो भोजपुरी में पहली बार इस टाइप का पिक्चर लिखा हुआ है, जो भोजपुरी से बिल्कुल कहानी से हटकर है, एक तरह से समझिए कि बेटी पर मैसेज की तरह लिखा हुआ है इस पिक्चर को। क्या किरदार है आपका? हमारे लीड किरदार में है जो इसमें लीड कर रहे हैं हम, जो हीरो करेक्टर है वो लीड किरदार है हमारा। सर आप दलेर मेहंदी के परिवार से हो? जी नहीं सर। आनंद आगे पक्का? जी नहीं। तो आपके नाम के आगे मेहंदी है? मेहंदी ऐसा टाइटल। अच्छा अच्छा, आइए आप बताइए, आप जरा आइए बताइए। और वही रहेगा जी, बाबा साइकिल को भोजपुरी जी, उनको जी, इनका मेहंदी जी, जी इनको मैंने ही मशवरा दिया कि अपने नाम के आगे मेहंदी लगाइए। मेहंदी जो है एक शुभ चीजों में यूज होता है तो एक शुभ शुरुआत होगा मेहंदी से, हिना से। सिंदूर, कुमकुम ये सब शुभ नहीं होते? बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता है? अगर ये जोड़ दिया होता तो कुमकुम तो ये लड़कियों में अच्छा लगेगा, कुमकुम सिंदूर ये सब, जैसे सीता सिंदूर, सुनीता कुमकुम ये सब। गा के सुनाइए, चलिए ये सब बातें ज्ञान वाली बातें बहुत हो गई, गाने सुनाइए। गा दीजिए। इस फिल्म के लिए कुछ क्या स्पेशल बनाया जाएगा? कुछ भी इस फिल्म के लिए तो अभी थोड़ा सा वो रहेगा, लेकिन और भी नया जो कुछ मेरा क्रिएशन है वो आपको सुनाता हूँ। एक मेरा हिंदी फिल्म आया है जो काफी, जिसका गाना वायरल हुआ है और हर ऐसा स्कूल कॉलेज, इंडिया का कोई भी ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं जहाँ पे बच्चे उस पर परफॉर्म ना कर रहे हों। ये मेरा सौभाग्य है, माई प्लेजर कि मुझे ऐसा करने को मौका मिला। तो उसका एक गाना है जिसे देव नेगी ने गाया है, जो अभी काफ़ी चल रहे हैं, बद्री की दुल्हनिया उन्होंने गाया है, ऊंची वाली से हील पहन के नाच बसंती, और भी फुकरे में, तनु एंड मनु में उन्होंने गाया है। तो वो गाना मैं गा रहा हूँ जो अभी काफ़ी चर्चित है और वायरल हो रहा है नेट पे। इसमें हमारा एक नॉर्मल लड़के किरदार है जो इस पिक्चर में, मैं एक घरेलू फैमिली से है, जो किरदार हमारा एक बिल्कुल सॉफ्ट और शांत स्वभाव का लड़के का किरदार है और हीरोइन से मेरी शादी होती है और मेरा हस्बैंड का शांत का जो भी कैरेक्टर हो प्ले करना और है। ये बहुत ही मार्मिक फिल्म बन रही है, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि नारी पर नारी शोषण, बेटी पर अत्याचार, लड़की मत पैदा करो, लड़की पैदा करने से आप पीछे चले जाओगे, ऐसा बहुत सारा धारणाएं हैं अपने समाज में जो लोगों ने थोप रखा है। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारे डायरेक्टर और राइटर बीके जी ने बहुत ही स्पष्ट किया है कि लड़की लड़के से कम नहीं है, अगर वो चाह ले
तो वो भी घर का मतलब एक मतलब सपूत बन सकती है। और मतलब अगर लड़का कुल का दीपक है, अगर लड़का कुल का दीपक है तो लड़की भी कुल की ज्योति है, ठीक ना। तो इसलिए ये फिल्म एक पूरा संदेश देता है पूरा अपने समाज को, इंडिया को, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, कि लड़की किसी से कम नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और उसका मतलब इतने अनंत रूप हैं जिसका जिसका गिनती करके बताना भी मुश्किल है। माँ बहन बेटी भाभी जितने भी रिलेशन हैं सारे अनंत हैं। तो दुर्गा माता काली सरस्वती सब सब अपनी मतलब नारी का ही रूप है। तो इसलिए हम लोग को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए नारी का। और जो आजकल समाज में छेड़खानी, जो इस तरह की घटना घट रही है, इसको रोकथाम होना चाहिए। सरकार से ये अपील है, सरकार कर भी रही है अपनी कोशिश, लेकिन फिर भी इसमें और तेजी आनी चाहिए। और उसी क्रम में हम लोगों ने इस फिल्म को रखा है, बेटी कहे पुकार के। ये बेटी कहे पुकार के एक ऐसी आवाज़ है जो दूर दूर तक जाएगी अपने हक के लिए। धन्यवाद। हाँ, नव दुर्गा मूवीज मेरी बैनर का नाम है और बीके पंडित मेरा नाम हुआ। मेरी ड्रीम थीम थी ये शुरू से ही रही है कि बेटियों के ऊपर कुछ लिखूं, कुछ संदेश दूं। और हमारी कोशिश शुरू से ही रही है, हालांकि मैंने इसको मंच के जरिए ये दिखाया था पब्लिक में, वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पर्दे पर उतारूँ। तो बहुत कोशिश की, बहुत रात दिन एक करके मैंने इसको लिखा। और अच्छे लोगों के साथ बैठ के लिखने का मेरे का जो अनुभव मिला, सबने मेरा सपोर्ट किया कि ऐसे मूवीज़ आजकल के दौर में आने चाहिए। तो वो बड़ी खुशी हुई मुझको कि आज मतलब मैं इसको पर्दे पर उतार रहा हूँ अपने ज़रिए, प्रमोद भाई के ज़रिए, हमारे साहब मतलब प्रोड्यूसर भरत भाई के ज़रिए, और जितने भी मीडिया है आप लोगों के ज़रिए हमारी पिक्चर जो आ रही है जी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा मेरी पिक्चर को, और मुझे खुशी होगी कि मैं इस तरह की पिक्चर लिख कर लिखने वाले हैं क्या। नहीं पर्दे पे नहीं, पर्दे पे तो मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा जो सुभाष घई वाला एक एटीट्यूड रहता है वो आएगा, बट अभी नहीं नहीं कुछ कहने के लिए। जी पहले तो मैं बता दूँ, मेरा नाम अंबिका सिंह वानी है, मैंने हिंदी फिल्में की हैं और एल्बम भी किए हैं। तो मेरा भोजपुरी में करने का कोई ऐसा इरादा नहीं था, बट विजय जी ने कहा कि एक बार आप मैम मुझसे मिल लीजिए। तो मेरी एक फिल्म है जो कि स्क्रिप्ट अच्छी है, तो मैंने सोचा अगर स्क्रिप्ट अच्छी है तो ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, देखते हैं। तो मैं विजय जी से मिली, फिर उसके बाद विजय जी ने जब अपनी स्टोरी सुनाई तो वाकई इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी एंड महिला प्रधान फिल्म है, समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाने वाला है। तो मुझे स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छी लगी, तो इतनी अच्छी लगी कि मैं भोजपुरी करना नहीं चाहती थी, बट मैंने कहा कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल, बट किसी कारणवश मैं नहीं कर पाई ये फिल्म। और बाकी मैं समाज को ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी फिल्म है, जो मैंने स्क्रिप्ट सुनी है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छी फिल्म है, बनने वाली है। और इस फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी, बस यही मेरा कहना है। थैंक यू, वेलकम। यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मेहनत करके इस मूवी को आप लोगों के सामने परोस रहा हूँ, अपने मतलब पूरा जो अनुभव है मैंने अपना नाट्यकला परिषद का पूरा कलम तोड़ के लिखा है इसमें बेटी के ऊपर। आप सारे पब्लिक इस मूवी को देखें, समझें, बेटी के दर्द को समझें, वो क्या चाहती है, आखिर क्या करना चाहती है उसको समझें। आखिर हर घर में बेटियां हैं। मैं दो लाइन बेटियों के लिए कहूँगा कि ये है मेरा कि माई हैं, बहन हैं, है दुल्हनिया, तो दुख से काहे भरल बाटे बेटी के कहनियाँ। ये बात है मेरा, केहू कहे दुर्गा काली, केहू कहे लक्ष्मीनिया, तो दुख से काहे भरल बाटे बेटी के कहानियाँ। दूरा नाही शोभे, घरवा नाही शोभे, आ नाही शोभेला अंगनिया, तो काहे दुख से भरल बाटे बेटी के कहानियाँ। ग्रेट। तो इस टाइप का मैंने लिखा है और बेटी के ऊपर लिखा है कि जब हम हर घर में बेटी को रखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा करके रखें कि उसका भी मनोबल हमेशा ऊंचा रहे और वो समाज में कहीं भी कुछ करने लायक। थैंक यू सर। मुहूर्त क्या कहना चाहूँगा, मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल के काफ़ी सारे एपिसोड किए हैं मैंने, 150 से ज़्यादा क्राइम पेट्रोल किए हैं और सावधान इंडिया किया है। और ये मेरी
भोजपुरी पहली फिल्म है एज ए नेगेटिव, इसमें मैं नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्टोरी के लिए मुझे बताया था, तो ये हमारे प्रमोद जी हैं, मेरे फ्रेंड हैं, ये हीरो कर रहे हैं। तो पहली फिल्म है मेरी भोजपुरी के लिए और मैं सारे दर्शकों से बताना चाहूँगा कि देखें और बेटी के लिए मनोकामनाएं करें और बेटी का साहस बढ़ाएं, ये सब कहना चाहेंगे। और नमस्कार।